हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जावेद अंसारी है और आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो असम राइफल्स के द्वारा बहुत ही अच्छी वैकेंसी जारी हुई है। चलिए गाइस, इस वैकेंसी के बारे में हम आपको सारा कुछ डिटेल बताते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन ये फॉर्म है, और इसमें आपको टोटल कितना पोस्ट मिलेगा, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है upsarkarirezult.in। ये वेबसाइट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं इस फॉर्म से संबंधित सारा कुछ डिटेल। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, ये फॉर्म किनके द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2019 यानी कि असम राइफल्स के द्वारा ये वैकेंसी जारी हुआ है, जिसमें आपको कई प्रकार की पोस्टें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको ग्रुप सी का पोस्ट मिल जाएगा, क्लर्क, GD, पर्सनल असिस्टेंट, रेडियो मैकेनिक, कंप्यूटर कारपेंटर, कुक, वाशरमैन, बारबर, टेलर और वारंट ऑफिसर, इतने प्रकार के आपको पोस्टें मिलेंगी। इसमें दोस्तों टोटल आपको 79 पोस्ट मिलेंगी। आपको इस फॉर्म को कब से अप्लाई करना है, इसका इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को 18 जुलाई 2019 से आप अप्लाई करेंगे और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 19 अगस्त 2019 रहेगा। इसका एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड सून बताई गई दोस्तों। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो ऑल कैंडिडेट इस फॉर्म को अगर अप्लाई करेंगे तो कोई अप्लीकेशन फ़ी नहीं पेमेंट करना है, बिल्कुल फ्री अप्लीकेशन, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको इसको कोई भी फ़ी नहीं पेमेंट करना है। बात करते हैं जॉब लोकेशन, तो ऑल इंडिया के द्वारा ये वैकेंसी जारी हुआ है दोस्तों। इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में दोस्तों, तो आपका एज जो लिया जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 2019 से आपका एज लिया जाएगा, जिसमें आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। गाइस, आपकी एज में छूट भी इन्होंने दी है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी गई है और OBC के लिए 3 साल की छूट इसमें दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें पोस्ट, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है इसमें आपको कई प्रकार की पोस्टें मिल जाएंगी, 79 इसमें पोस्ट है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 12 पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों इस फॉर्म को आप कहाँ पोस्ट करेंगे अगर अप्लाई करेंगे, तो ये दोस्तों फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन फॉर्म है, आपको इसको पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको पोस्ट करना है, तो पोस्ट करने का एड्रेस यहाँ पर आपको पता लिखा हुआ है, ये पता है दोस्तों, आपको इस पते पर इस फॉर्म को पोस्ट करना है। पूरा फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको इस पते पर इस फॉर्म को पोस्ट करना है। फिजिकल एलिजिबल के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपके पास हाइट जो होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और ST कैंडिडेट जो हैं मेल कैंडिडेट 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए और ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों गोरखा के लिए बताई गई है जो हाइट आपका होना चाहिए 157 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों चेस्ट के बारे में बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और गोरखा कैंडिडेट जो ST कैंडिडेट आएंगे गोरखा, उनके लिए 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि पे स्केल इसका क्या रहेगा, तो 5200 से 20,020 रुपीस प्रति मंथ आपका पे स्केल है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म दोस्तों आपको ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, ऑनलाइन ये फॉर्म नहीं है। आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है, जो फॉर्म का PDF फाइल है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों उस फॉर्म को फिलअप करना है, अपना फ़ोटो उस पर चिपकाना है, आपको अपना सिग्नेचर वहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपको अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स सब साथ उसमें सबमिट करना है। उसके बाद आपको फॉर्म को, ये पता मैंने बताया है, इस पते पर आपको, यहाँ पे ये जो पता है इस पते पर आपको पोस्ट करनी है। तो आगे दोस्तों बात करते हैं इसका सिलेक्शन क्या प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका PET टेस्ट होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, होने के बाद मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं इस फॉर्म को आप कैसे, इसका जो फॉर्म का, इस फॉर्म का PDF फाइल आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड फॉर्म आपको मिल जाएंगी, क्लिक हियर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। गाइस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो PDF फाइल है फॉर्म का वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आप नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही गाइस आप क्लिक करेंगे, देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया।
ये डाउनलोड हो रहा है। असम राइफल ग्रुप सी का जो वैकेंसी है ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है।